स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हम काम कर रहे थे, और जो हम एडिटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम कैसे किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एडिट कर सकते हैं, हम क्या क्या काम उस पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल टूल टू ड्रा और इंसर्ट टेबल्स, वी कैन इंसर्ट द एक्सेल स्प्रेडशीट ऑल्सो। स्टूडेंट्स, बहुत बार हमें अपनी स्प्रेडशीट्स में हमें अपनी प्रेजेंटेशंस में एक्सेल की फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, सिंपल टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सिंपल टेबल या एक्सेल स्प्रेडशीट्स को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में जो रिबन आता है, ये रिबन में बिल्कुल लेफ्ट में हमारे पास टेबल टूल है। टेबल टूल पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए। अदरवाइज हम इंसर्ट टेबल कमांड है नीचे, इस इंसर्ट टेबल कमांड पर जाएंगे तो हमसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा जाएगा। हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जाएंगे, टेबल को वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा। फिर अगला तरीका है ड्रॉ टेबल, हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। हमें एक टूल बार मिल जाएगा, वहाँ पे हमें लाइन टूल मिल जाएगा, लाइन टूल से हम लाइन खींच सकते हैं। इरेजर टूल मिलेगा जिससे हम किसी लाइन को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें सारी टेबल को ड्रॉ करने से रिलेटेड कमांड होंगी। और फिर है एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करके हम किसी एक्सेल की फाइल को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगला है हमारे पिक्चर, अगर मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो इसके लिए भी हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और पिक्चर टूल पे क्लिक करेंगे, तो इस टाइप का मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं अपनी पिक्चर किसी को भी सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। पिक्चर में आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करनी है या उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो मेरे पास जो ऊपर टूल रहता है वो है फॉर्मेट, फॉर्मेट टैब अवेलेबल रहता है। फॉर्मेट टैब का यूज़ करके हमारे पास जो रिबन आता है, रिबन में सारी आपकी पिक्चर से रिलेटेड कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ करके पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने क्या किया, फॉर्मेट टैब पे क्लिक किया और यहाँ पे आपके अलग अलग स्टाइल्स हैं, पिक्चर स्टाइल्स हैं, मैं कोई भी पिक्चर स्टाइल यहाँ पे ले सकता हूँ। पिक्चर की शेप चेंज कर सकते हो, पिक्चर की शेप वाला बटन है मेरे पास। पिक्चर का बॉर्डर डालना है तो नीचे पिक्चर का बॉर्डर है। पिक्चर पर कोई इफेक्ट डालना है तो उसके नीचे पिक्चर इफेक्ट्स का टूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, सेलेक्ट एनी पिक्चर, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि कुछ टूल्स अवेलेबल हो गए हमारे पास फॉर्मेट टैब में, जिनका यूज़ करके हम अपनी पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके लेफ्ट में हमारे पास है ब्राइटनेस, हम पिक्चर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज पिक्चर में जाके हम पिक्चर को ही चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर में जो डिफॉल्ट पहले पिक्चर थी वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। कंप्रेस पिक्चर में हम पिक्चर का साइज छोटा कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे हम काम कर सकते हैं जो फॉर्मेटिंग रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं आपके पास एक स्लाइड के अंदर, और किसी पिक्चर को आपने बैक में भेजना हो या फ्रंट पे लाना हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपके पास ये जो फॉर्मेट टैब है, फॉर्मेट टैब में ही यहाँ पे ऑप्शन है सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पे क्लिक करोगे तो वो पिक्चर किसी दूसरी पिक्चर के बैक में चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, कोई पिक्चर पीछे चली गई है उसे फ्रंट में लाना हो तो हम वो भी कर सकते हैं, उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करने से क्या होगा, वो मेरी पिक्चर सामने आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ है कि एक पिक्चर जो सामने है उसको तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई पिक्चर किसी भी दूसरी पिक्चर के बैकग्राउंड में पड़ी है, उसको मुझे फ्रंट में लाना है, तो क्या करेंगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो ऊपर पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसको सेंड टू बैक करोगे, वो पीछे चली जाएगी। और अदरवाइज हमें पीछे वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी ही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ होम टैब में जाएंगे और होम टैब में बिल्कुल राइट में सिलेक्ट कमांड होती है, सिलेक्ट टूल होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें हमारे पास आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करोगे तो आपको राइट साइड में एक सिलेक्शन पेन दिखाई देगा, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं वहीं पर ही रहते रहते, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, किसी पिक्चर को हमने सिलेक्ट किया था उसे फ्रंट में हम ले आए, ये स्टूडेंट मैं सिलेक्शन पेन की बात कह रहा था। सिलेक्शन पेन के लिए हम कैसे कैसे करते हैं, आप होम टैब पे क्लिक करोगे, होम टैब में बिल्कुल राइट साइड जाओगे तो यहाँ पे फाइंड रिप्लेस के नीचे सिलेक्ट है, सिलेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें आता है सिलेक्शन पेन, उसका यूज़ करोगे तो सिलेक्शन पेन आपको इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। तो इसमें इस टाइम पर पिक्चर 4, पिक्चर 3, सब टाइटल 2 है, टेक्स्ट 1 है, लेकिन मेरी पिक्चर 3 सिलेक्ट है,
तो मैं उस पर क्लिक करके पर्टिकुलर पिक्चर को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं पिक्चर फोर पे क्लिक करता तो मेरा सिलेक्शन पिक्चर फोर का हो जाता है यहाँ पे पिक्चर थ्री की बजाय। तो हम किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन पेन का यूज़ करके। स्टूडेंट्स, किसी पिक्चर को रोटेट या फ्लिप करना हो तो सबसे पहले उस पिक्चर को सिलेक्ट करो, फिर फॉर्मेट टैब में ही जाओगे आप। फॉर्मेट टैब में राइट साइड में यहाँ पे है आपके ऑप्शन अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। दो पिक्चर्स को आपस में अलाइनमेंट करना है, उनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं हम दो पिक्चर्स को, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पर किसी पिक्चर पे आपने क्लिक किया उसको रोटेट करना हो तो यहाँ पे रोटेट करने के लिए ऑप्शन है, जैसे रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने पिक्चर को फ्लिप या रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आपकी दो या दो से ज़्यादा पिक्चर्स हों, ठीक है, आपने उनकी ग्रुपिंग करनी है, तो सबसे पहले आप उन पिक्चर को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है सिलेक्ट टू और मोर पिक्चर्स, क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब, क्लिक ऑन ग्रुप टूल, सिलेक्ट ग्रुप फ्रॉम द मेन्यू टू ग्रुप द पिक्चर्स, कंट्रोल प्लस क्लिक कॉम्बिनेशन इज यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल पिक्चर्स। स्टूडेंट्स, हम एक सिंपल पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उस पर माउस पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन जब मुझे एक से ज़्यादा पिक्चर सेलेक्ट करनी हो तब में हम क्या करेंगे, तब पहले आप पहले पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस करोगे और होल्ड डाउन रखते हुए आप दूसरी पिक्चर प्रेस करोगे, दूसरी पिक्चर पे क्लिक करोगे माउस से, फिर तीसरी पिक्चर पे क्लिक करोगे। तो रैंडमली हम कितनी भी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और पिक्चर्स के बीच में ग्रुपिंग करवानी हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे। फॉर्मेट टैब में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ग्रुप, ग्रुप में पहला ही ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो सारी पिक्चर्स का ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप का ये फ़ायदा होगा कि मैं जब किसी एक पिक्चर को मूव करूँगा कहीं पे तो दूसरी तो पूरा का पूरा ग्रुप साथ में मूव होगा। ठीक है, हम रीग्रुप, ग्रुप और अनग्रुप तीन कमांड है जो इसमें कर सकते हैं। अनग्रुप कमांड तब चलेगी जब हम किसी पिक्चर्स कुछ पिक्चर्स का ग्रुप बना लेंगे, तो हम दोबारा उन पिक्चर्स को अनग्रुप कर सकते हैं अनग्रुप की हेल्प से। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सिलेक्ट ग्रुप पिक्चर्स। अगर मुझे मैंने मेरे पास ग्रुप पिक्चर्स हैं और ग्रुप पिक्चर्स का मुझे अनग्रुप करना है तो पहले उन पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपके ग्रुप पिक्चर्स हैं। क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब में ही जाएंगे, क्लिक ऑन ग्रुप टूल, ग्रुप टूल द्वारा क्लिक करेंगे और उसमें से अनग्रुप जो मेरा मेन्यू आएगा उसमें से हम अनग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो पिक्चर मैंने ग्रुप की थी वो दोबारा अनग्रुप हो जाएंगी, मतलब अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से कोई शेप वगैरह इंसर्ट करनी हो मुझे तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, तो उसमें मेरे पास शेप टूल आता है। शेप टूल में हम किसी भी टाइप की शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ शेप टूल। ठीक है, हालांकि इसमें टेक्स्ट बॉक्स अलग से भी है इस रिबन में। आप देखो जरा, इंसर्ट टैब में जाओगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स वाला टूल मिल जाएगा, आप इस टूल बॉक्स को भी डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये कह रहा है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स टूल, क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, टाइप योर टेक्स्ट है। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट इंसर्ट पे क्लिक किया और टेक्स्ट बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपकी स्लाइड पे जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा और वहाँ पे हम अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई हेडर फुटर इंसर्ट करना हो तब हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर टूल, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सेलेक्ट द ऑप्शंस, क्लिक ऑन अप्लाई बटन टू अप्लाई द सेटिंग्स टू द करंट स्लाइड ओनली, क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई द सेटिंग्स टू ऑल द स्लाइड्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम हेडर फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जो ये रिबन आ रहा है, इस रिबन में अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप का मेरे पास बॉक्स आ जाता है हेडर फुटर का, जिसमें मैं डेट और टाइम दिखाना चाहूँ तो डेट और टाइम दिखाना चाहता हूँ। ऑटोमेटिकली अपडेशन भी होनी है, करती रहना है, तो हमने इस ऑप्शन बटन को भी सिलेक्ट कर लिया, अदरवाइज हम फिक्स भी कर सकते हैं। तो अपडेट ऑटोमेटिकली में क्या होगा, जितनी बार भी मैं प्रेजेंटेशन खोलूँगा, ओपन करूँगा, उतनी बार ही डेट और टाइम को वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। ठीक है, स्लाइड नंबर डालना चाहते हो तो स्लाइड नंबर वाले चेकबॉक्स ऑन कर दो, साथ साथ स्लाइड नंबर भी आएगा। ठीक है, फुटर में कुछ चाहिए तो वो हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अप्लाई करेंगे तो करंट स्लाइड पे ही सब कुछ अप्लाई होगा। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जिसमें सारी स्लाइड्स हैं सभी स्टाइल्स पे सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी अगर हम अप्लाई टू ऑल करते हैं तो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वर्ड आर्ट। हम इंसर्ट टैब में ही जाके यहाँ पे वर्ड आर्ट वाला टूल है। वर्ड आर्ट टूल का यूज़ करके हम कोई भी डेकोरेटिव वर्ड लिख सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद वो स्टाइल में मेरा टेक्स्ट आ जाएगा, मैं उसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। तो क्या किया, हमने क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया और उसमें वर्ड आर्ट टूल पे क्लिक किया, फिर हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
जैसे ये आ गया, अब इसका स्टाइल वगैरह आपको चेंज करना है तो इसका हमने सेलेक्ट इस पर क्लिक किया और फॉर्मेट इस ऊपर फॉर्मेट टैब आ गया। फॉर्मेट टैब में हम अलग अलग स्टाइल्स वगैरह या अलग अलग कोई मुझे शेप फिल करना है, शेप आउटलाइन लेनी है, वह सारा चीज़ जो भी आपका पिक्चर से रिलेटेड है वो हम कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके, इस मतलब इस रिबन का यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हम इंसर्ट टैब में गए थे, इंसर्ट टैब में हमने सेलेक्ट किया था हेडर फुटर, तो वहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कैसे हमने किया था। इंसर्ट टैब में हमने हेडर फुटर पे क्लिक किया था और हेडर फुटर से आगे ही स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, अगर हमने हेडर फुटर की बात की है तो हेडर फुटर से आगे वर्ड आर्ट था, वर्ड आर्ट से आगे डेट एंड टाइम था जहाँ से हम डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, उससे आगे स्लाइड नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन स्लाइड नंबर टू, सेलेक्ट स्लाइड नंबर ऑप्शन इन द डायलॉग। तो हम वहाँ से अगर स्लाइड नंबर वाला बॉक्स ऑप्शन ले लेते हैं तो मुझे हर एक स्लाइड में उसकी नंबरिंग भी दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे इस स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो डेट आ रही है और डेट के साइड में राइट साइड में वहाँ पे स्लाइड का नंबर भी हमें शो कर रहा है, तो ये हमें इस तरीके से शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट टूल, सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट टाइप इन द डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन ऑटो फिल्टर। स्टूडेंट्स अगर मुझे पिक्चर के बजाय कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप सिंपली इंसर्ट टैब पे जाओगे, इंसर्ट टैब में राइट साइड पे आप जाओगे तो इसमें ऑब्जेक्ट का टूल आता है, ऑब्जेक्ट टूल पे करोगे तो ऐसा ऑब्जेक्ट टूल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, जिसमें हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझे एक न्यू क्रिएट करना है तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, कोई पहले से एग्जिस्टिंग है उससे हमें क्रिएट करना है तो हम क्रिएट फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं न्यू करने जा रहा हूँ तो मैंने क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बिटमैप इमेज सेलेक्ट किया, उसके बाद हम कर देंगे ओके पे क्लिक। तो ओके पे क्लिक करते स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एमएस पेंट मेरे सामने खुल गया, इसमें मैंने अपने एक पिक्चर को ड्रॉ किया। ठीक है, तो वो कह रहा है द रिलेटेड एप्लीकेशन, जो भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होगी वो हमारी ओपन हो जाएगी, हम अपना काम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिटमैप इमेज बनाई है, ड्रॉ की है, उसके बाद हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और उसमें से हम सेलेक्ट कर देंगे अपडेट डॉक्यूमेंट, और उसके बाद अपडेट डॉक्यूमेंट करने के बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। तो हम पहले ऊपर अपडेट करेंगे फिर एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो हम वापस पहुँच जाएंगे हमारे पास जो भी प्रेजेंटेशन है वहाँ पे। तो क्लिक ऑन अपडेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, क्लिक ऑन एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हम करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मुझे कहीं से मर्ज करना हो फाइल को, जैसे क्लिक ऑन कहीं से मूव करना हो या कोई मूवी इंसर्ट करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टैब में जो हमारे पास रिबन आता है उसके बिल्कुल राइट साइड में जाएंगे तो मूवी टूल आता है, उस मूवी फ्रॉम फाइल का हम यूज़ करके कोई भी मूवी फाइल इसमें स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया, हमने इंसर्ट टैब पे गए, इंसर्ट टैब में राइट साइड में हम गए तो हम मूवी फ्रॉम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा मूवी मेरी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट क्या, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन साउंड टूल, हम साउंड इस तरीके से साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई मूवी इंसर्ट नहीं करनी हो, मूवी की जगह मुझे कोई साउंड इंसर्ट करनी हो तो हम मूवी की जगह साउंड भी इंसर्ट कर सकते हो। सिंपली आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे और वहाँ से साउंड टूल को सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट साउंड फ्रॉम फाइल को सेलेक्ट करोगे अगर मुझे किसी फाइल से साउंड लेनी है तो। यहाँ पे अलग ऑप्शन है स्टूडेंट, जैसे साउंड फ्रॉम फाइल, साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक, कोई भी, मैं इसमें साउंड फ्रॉम फाइल ले रहा हूँ तो मैं फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा, उस फाइल से मेरे पास साउंड के आइकन ओपन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, क्लिक ऑन रिव्यू टूल, रिव्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्पेलिंग टूल टू चेक द स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिव्यू टैब पे जाएंगे और रिव्यू टैब में जो रिबन आ रहा है, रिबन के बिल्कुल लेफ्ट साइड में हमारे पास स्पेलिंग है, स्पेलिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो मेरे प्रेजेंटेशन की सारी स्पेलिंग्स को चेक कर देगा। हम चाहेंगे कोई स्पेलिंग गलत है तो उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा, और इससे क्या होगा कि अगर आपका ये प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।